हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मैं लेकर आ गया हूं टेकी समाचार का तीसरा एपिसोड, जिसमें आप शेयर करूंगा कुछ नए अपडेट्स, कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेस सैमसंग की तरफ से, एप्पल की तरफ से, हुआवे की तरफ से, और कुछ नए फीचर्स ऊबर की तरफ से भी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहली न्यूज की तरफ। पहला अपडेट निकल के आता है इसरो की तरफ से। जी हाँ, इसरो के ऑफिशियल्स ने बताया है कि चंद्रयान 2 अब एक नए ऑर्बिट यानी 251/54892 पर पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई को जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो इसे 170/45479 के ऑर्बिट पे पहुंचाया गया था। उसके बाद इसमें लगे काफी सारे प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से इसे 24 जुलाई को यानी वेडनेसडे को एक ऑर्बिट 230/45169 पे पहुंचाया गया था। तो ठीक इसी तरह धीरे धीरे इसे ऑर्बिट का साइज जो है डायमीटर बढ़ा रहे हैं, और ऐसे करते करते एक ऑर्बिट यानी लूनर ऑर्बिट 100/100 पे इसे 14 अगस्त को पहुंचाया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि 7 सितंबर तक चंद्रयान 2 की मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। तो अब बढ़ते हमारे अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया एक और नया स्मार्टफोन जिसमें आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रोटेटिंग कैमरा सेटअप। जी हाँ, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है गैलेक्सी A80 जो कि 47,990 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च है, और इसमें आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रोटेटिंग कैमरा सेटअप। जो ट्रिपल कैमरा है वही फ्रंट कैमरा रोटेट होकर सामने आ जाता है। तो आपको ट्रिपल कैमरा में देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और एक साथ में डेप्थ सेंसर भी दिया गया है जो कि लाइव फोकस के साथ आता है। तो आप यही सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं अपने फ्रंट कैमरा की तरह भी। जो रियर कैमरा है वो रोटेट होकर सामने आ जाता है, और आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं रियर कैमरा। सैमसंग ने इसे 3 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, एक है गोल्ड, दूसरा व्हाइट और तीसरा ब्लैक। तो अब देखना यह है कि ये सैमसंग गैलेक्सी A80 कितने कमाल दिखा पाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है टाइटन। हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है कि अगले साल यानी 2020 तक एप्पल एक फुली ऑटोमेटिक एंड फुली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहा है। तब देखना यह है कि एप्पल किस प्राइस पॉइंट पर कार लॉन्च कर पाता है, और क्या बाकी प्रोडक्ट्स की तरह भी इसकी प्राइसिंग भी काफी हाई होने वाली है। तो अगला अपडेट निकल के आता है उबर की तरफ से। उबर ने एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो है ड्राइवर आइडेंटिटी फ्रॉड से जुड़ा। ऐसे कई सारे केसेस निकल के आते हैं सामने जिसमें आप राइड बुक करते हैं उबर की तरफ से, व्हीकल भी वही मिलता है जो आपने बुक किया, लेकिन ड्राइवर कोई और होता है जो कि उबर सर्टिफाइड नहीं होता है, और कई सारे लूटपाट के केसेस भी सामने आए हैं। तो अगली बार आप जो उबर से राइड बुक करेंगे आपके पास व्हीकल्स की तो इन्फॉर्मेशन आएंगे ही, साथ ही आपके पास ड्राइवर से जुड़ी भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जैसे ड्राइवर का नाम, ड्राइवर की फोटो, और इनफैक्ट ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलेगा। तो आप जब व्हीकल में बैठेंगे उससे पहले आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास जो फोटो आई है वो वही ड्राइवर है या नहीं। आप उससे नाम भी कंफर्म कर सकते हैं, तब आप राइड को कंटिन्यू कीजिए। तो अगला अपडेट निकल के आता है हुआवे की तरफ से। हुआवे एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है Y9 Prime। इसकी लॉन्चिंग शेड्यूल्ड है 1 अगस्त को। कुछ सोर्सेज से हमें इसकी लीक्स पता चले हैं। इसमें हो सकता है 6.59 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, और आपको देखने को मिल सकता है Kirin 710 का प्रोसेसर। हालांकि ये प्रोसेसर काफी पुराना हो चुका है जो कि 12 नैनोमीटर पे बिल्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों हुआवे यही प्रोसेसर अभी भी अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहा है। अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और एक छोटा सा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी चिपका दिया है। लेकिन आपको 16 मेगापिक्सल का प्रॉपर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है जो कि एक इसकी हाइलाइटिंग पॉइंट हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये 2 वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब देखना ये है कि किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होता है। अगर ये 10,000 से 15,000 में के बीच में लॉन्च होता है तो काफी कमाल फोन होने वाला है, लेकिन अगर ये 15,000 से 20,000 के बीच में लॉन्च होता है तो इसके और नए क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है या नहीं, तो देखेंगे इस फोन को 1 अगस्त को लॉन्च होने के बाद। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, ये वाले मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि उस पे मैं काफी सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ।
अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। मिलते हैं अगले संडे ठीक 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।